नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको सलवार पे बेल्ट लगाना दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने डबल में 23 इंच का कपड़ा ले लिया है। ये मैंने किस तरह से सलवार काटी थी इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब इस बेल्ट को हम बनाएंगे, तो इसके लिए जो खुली तरफ है बेल्ट की, उन दोनों पेज को हम सिलाई कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़कर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई को पूरा नहीं बंद करेंगे हम, 2 इंच के करीब हमने सिलाई को घुमा के निकाल लेना है। वो पूरा बंद नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे हम होल रखेंगे ड्रा स्ट्रिंग के लिए, नाड़ा जहाँ आप इलास्टिक जो भी डालना चाहें उसके लिए। अब इसको वापस करेंगे सिलाई को वहीं से, और हम जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है, सिलाई लगाई है, उसको एक तरफ एक साइड करके उसके ऊपर फिर से एक डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अब हम ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले जो सिलाई खुली छोड़ी थी उस कपड़े को फोल्ड करेंगे, और ये फोल्ड जो है हम उल्टी तरफ करेंगे। छोटे छोटे फोल्ड करके अंदर की तरफ, और इसको हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके और ऊपर से हम उसको ज़्यादा फोल्ड करेंगे। ये हमने 1.5 इंच के करीब इसको फोल्ड करना है, और पूरा घुमाते हुए बेल्ट को पूरा फोल्ड करेंगे इस तरह से। हम थोड़ा सा अंदर कपड़ा फोल्ड करके और डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये 1.5 इंच के करीब हमने फोल्ड किया है, और पूरा हम राउंड में इसको बेल्ट को इसी तरह से फोल्ड करेंगे नाड़े के लिए। ये देखिए, ये ऊपर से बेल्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हम बेल्ट को किस तरह से लगाएंगे उसके लिए हम कटिंग करेंगे। छोटे छोटे इसके कट लगाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे एग्जैक्ट हम चींटियाँ या जो प्लेट्स हैं वो डालेंगे। तो इसके लिए जो फ्रंट साइड था उसके बैक साइड पे पूरा बराबर करके हमने एक छोटा सा कट लगाया, तो वो हमारा पिछला आसन वहाँ पे लगेगा। ये देखें इस तरह से, ये अगली तरफ है, ये पिछला आसन है, ये हमारे दोनों आसन होंगे। अब हमने साइडों से बराबर कपड़े को खींचते हुए बेल्ट को इस तरह से पकड़ना है, और इन चारों पीसों को हमने इस तरह से पकड़ के छोटा सा कट लगाना है। फिर इसको फोल्ड करेंगे, और अब 8 पीस जो हमारे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे भी हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं। अब देखिए जोड़ना किस तरह से है इसको। ये बैक साइड है, तो हम बैक साइड पे पिछला आसन जोड़ेंगे। यहाँ पे पिछला आसन जोड़ेंगे, और अगले 2 जो हमारे कट हैं वहाँ पे हमने 2 बड़े बड़े प्लेट्स डालने हैं, जिससे कि हमारी सलवार है जो बैठने में हमें दिक्कत ना हो।
इस तरह से। और ये प्लेट्स जो हैं ये 1 से 2 इंच के करीब हमने बड़े बड़े से डालने हैं। और जब प्लेट्स डालेंगे तो हमारे प्लेट्स जो हैं दोनों एक तरफ होने चाहिए, या दोनों अंदर वाली तरफ या दोनों बाहर वाली तरफ। और वहाँ से हमने पूरी सिलाई को घुमाते हुए यहाँ तक हमने सिल लेना है, जो हमारे आगे के 2 कट थे उन दोनों कट्स के बीच में यहाँ तक। मैंने प्लेट्स सेट कर लिए हैं और उनको हम मैंने पिन लगा ली है, तो अब इसको सिलाई करके दिखाती हूँ। जी हम बेल्ट का पिछला हिस्सा जोड़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछला आसन और 2 बड़े बड़े प्लेट्स डाल लिए। ये देखें, पीछे से हमने पूरी बेल्ट को लगा लिया है। अब ये आगे वाला आसन है जो हमारा आगे फ्रंट पे इस तरह से हमारा यहाँ पे स्टिच होगा। और जो दोनों तरफ हमारे कपड़े पीस बचा हुआ है, ये इसके प्लेट्स इस तरफ पड़ेंगे और दूसरी तरफ के प्लेट्स इस तरफ आ जाएंगे। और प्लेट्स के दोनों साइड हमने सेम रखनी है। अगर अंदर वाली साइड प्लेट्स कर रहे हैं तो अंदर वाली साइड, अगर बाहर वाली साइड रखें तो बाहर वाली साइड। आप चाहें तो छोटे छोटे प्लेट्स भी डाल सकते हैं और थोड़े बड़े भी डाल सकते हैं। ये पिछली साइड के प्लेट्स हैं जो मैंने बड़े रखे हुए हैं, ये 2 इंच के करीब रखे हैं मैंने। अब ये जोड़कर मैंने इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए सीधी तरफ से सिलाई लगा ली है, ताकि हमारी बेल्ट जो है अच्छे से बन जाए। और ये देखें मैंने प्लेट्स भी लगा लिए हैं, ये देखें कितने अच्छे प्लेट्स आए हैं हमारे, और अच्छी चोटियाँ लग रही हैं, और कितनी प्यारी हमारी बेल्ट जो है बराबर जुड़ गई है। ये देखें इस तरह से। पोंचों के लिए देखिएगा मेरी अगली वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।